तो आज हम बेटा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल लिया है हमने कैश बुक से और एक न्यूमेरिकल लिया है हमने पासबुक से। अर्थात जो स्टार्टिंग है, एक की हो रही है स्टार्टिंग कैश बुक के बैलेंस से और एक की स्टार्टिंग हो रही है पासबुक के बैलेंस से। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल समझाने से पहले जो मैंने बातें पिछले ऑनलाइन वीडियो में बेटा आपको बताई थी कि अगर हमारा जो क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट होता है तो हमने सभी पॉइंट में कैश बुक देखनी, अगर बढ़ रही हो तो उसको हमने कम करना, कम हो रही हो तो उसको हमने बढ़ाना। और अगर हमारा जो क्वेश्चन हो स्टार्ट हो रहा है पासबुक से तो हमने सभी पॉइंटों में पासबुक को देखना, अगर वो बढ़ रही है तो हमने उसको कम करना और अगर कम हो रही है तो हमने उसको बढ़ाना। तो जिसने ये वीडियो जो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर जा करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बाकी बेटा अब हम जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी की पूरी बातें पता लग जाएगी। तो मैं आपको स्क्रीन करता हूँ बेटा शेयर, ठीक है, फिर हम समझते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो बेटा हम न्यूमेरिकल करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ March 31, 2020। ठीक है, तो आपको BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करने के लिए बेटा कहा हुआ है। और देखो यहाँ पर आपको डेट भी दी हुई है 31 March 2020। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट दिए हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो दिया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखो आपको कैश बुक का दिया हुआ है कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, और कितना दिया है 40,500 का है और डेट दी है 31 March 2020 को। और सेकंड जो पॉइंट है वो दिया है बेटा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड ₹92,000 के। और थर्ड जो पॉइंट है वो हमारे को दिया है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹52,800। एंड फोर्थ पॉइंट दिया है बैंक चार्जेस ₹1,500 चार्ज्ड बाय बैंक। एंड फिफ्थ पॉइंट दिया है ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹45,200। तो बेटा आपको ये पांच पॉइंट दिए हैं और एक एक पॉइंट का आपको एक एक नंबर बेटा मिलता है। तो देखो इस क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है कहाँ से, इसकी शुरुआत हो रही है बेटा जो हमारा कैश बुक है कैश बुक के बैलेंस से। और कैश बुक का कौन सा बैलेंस दिया है, डेबिट। तो मेरे को बताओ डेबिट बैलेंस कहाँ आता है कैश बुक का, जल्दबाजी नहीं करनी बेटा, बताओ जल्दी। शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक है, प्लस में आएगा बेटा। तो देखो सबसे पहले हम बेटा लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और यहाँ पर डेट भी दी है, तो जो डेट हमारे को बेटा क्वेश्चन में गिवन है ये देख सकते हैं आप 31 March 2020। तो बेटा ये हम जो है डेट यहाँ लिख देंगे, ठीक है, एज ऑन के आगे। और फिर हम बेटा एक फॉर्मेट बनाएंगे, तो आपको बोला कि फर्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, नेक्स्ट होता है प्लस अमाउंट एंड नेक्स्ट होता है माइनस अमाउंट। जो प्लस करना है वो हमने प्लस में, जो माइनस करना है वो बेटा हम माइनस में लिखेंगे। तो आपने बिल्कुल सही बता दिया कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो 40,500 रुपीज़ है, तो हमने कहाँ लिख दिया, प्लस के कॉलम में वो हमने बेटा लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा। अब जो सेकेंड पॉइंट है, अब आपको मैंने बोला कि क्वेश्चन स्टार्ट हुआ हमारा कैश बुक से, तो हमने अब बेटा सभी पॉइंटों में क्या देखनी है, जो हमारी कैश बुक है उसी को ही देखना है हमने। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड, चेक हमने बेटा जमा किए बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन आगे कलेक्टेड मतलब बैंक में जमा नहीं हुए हैं। तो हम रिकॉर्ड करते हैं बेटा कैश बुक में, बैंक वाले करते हैं पासबुक में, तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि हमने तो रिकॉर्ड कर लिया है। तो जैसे ही बेटा हम चेक जमा करते हैं तो हम अपनी कैश बुक को क्या कर देते हैं बेटा, बढ़ा देते हैं, लेकिन बैंक में हमारी जो पासबुक है वो बेटा कम है,
वहाँ वो कलेक्ट नहीं हुए हैं, तो पासबुक हमारी कम है और कैश बुक क्या है हमारी बेटा बड़ी हुई, तो कैश बुक हमारी बेटा बड़ी हुई है तो इसको क्या कर देंगे हम बेटा अब कम। बस हमने कैश बुक देखा ना, कैश बुक बड़ी हुई तो उसको हम क्या कर देंगे कम। तो देखो बेटा अब सेकंड पॉइंट लेस कर दिया हमने, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, और जो अमाउंट है वो माइनस के कॉलम में लिख दिया। बोलो बेटा पता लग गया आपको? ठीक है, अब देखते हैं बेटा हम थर्ड पॉइंट। तो देखो थर्ड पॉइंट है चेक इशूड। इशूड का मतलब होता है बेटा हमने दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब जैसे ही बेटा हम जो हैं चेक किसी को काट करके देते हैं, तो हम बना रहे हैं कैश बुक, तो हम कैश बुक को क्या कर देते हैं बेटा कम। लेकिन वो जो चेक जिसको हमने दिया वो अभी बैंक में नहीं पहुंचा हुआ है, तो बैंक में नहीं पहुंचा हुआ है तो बैंक में हमारी 52,800 से पासबुक बड़ी हुई है, लेकिन जैसे हमने चेक काट करके दिया है तो हमने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया है बेटा कम। ठीक है, तो हमने कैश बुक ही देखनी, तो हमने कैश बुक को कम कर दिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा इस पॉइंट से, हाँ बेटा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखो बेटा इस पॉइंट से हमारी कैश बुक क्या हो जाएगी बेटा बढ़ जाएगी। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्योंकि हमने कैश बुक बेटा कम कर दी थी, हमने कैश बुक ही देखनी तो कैश बुक को हमारे को क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारी जो है स्टेटमेंट ये मिलेगी बेटा। ठीक है, अब देखते हैं हम बेटा नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बेटा फोर्थ नंबर। तो ये पॉइंट है बैंक चार्जेस, ₹1,500 चार्ज्ड बाय बैंक। तो बैंक हमारे बेटा इतने काम करता है, हमारा पैसा जो है यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करता है, हमारे को एटीएम की फैसिलिटीज़ देता है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट कार्ड कार्ड देता है, चेक बुक देता है, तो इस काम के बदले वो बेटा चार्ज भी लेता है, मतलब कुछ पैसा काटता है, उसको बोलते हैं बेटा बैंक चार्जेज। तो बैंक ने कितना चार्ज किया है बेटा, ₹1,500 चार्ज किया हुआ है, ₹1,500 चार्ज किया हुआ है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक ने क्या किया है कि हमारी जो पासबुक है उसको उसने कम कर दिया है, लेकिन हमारे को पता नहीं है कि किसका इन्होंने काटा। तो जब हमारे को पता था तो हमारी कैश बुक क्या है बड़ी हुई, क्योंकि क्योंकि बेटा हमारी जो पासबुक है वो कम है और कैश बुक हमारी क्या है बड़ी हुई। क्यों है बड़ी हुई, क्योंकि हमारे को पता नहीं है कि बैंक ने कितना चार्ज लिया, तो हमारी कैश बुक बेटा क्या है बड़ी हुई। तो अब मिलाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, कैश बुक अपनी कम करनी पड़ेगी, तो ये माइनस के कॉलम में आ जाएगा बेटा फोर्थ पॉइंट। तो देख लो आप, ये हो गया आपका बैंक चार्जेस का, तो बैंक चार्जेस लेस कर दिया और 1,500 माइनस के कॉलम में बेटा चला गया। बोलो बेटा पता लग गया चार पॉइंट? यस सर। ठीक है बेटा, ओके। अब देखते हैं बेटा जो लास्ट पॉइंट है, अब इसमें क्या है, देखो सिंपल लिखा है कि ये कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक और 45,200। तो एक कस्टमर ने क्या किया है कि उससे हमने लेना था बेटा 45,200 रुपीज़, उसने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली जमा कर दिया है। ठीक है, हम उसका वेट कर रहे हैं बेटा, अपनी शॉप में आया नहीं, उसको हमारा अकाउंट नंबर पता था और उसने बैंक में क्या कर दिया बेटा जमा कर दिया। तो देखो इससे क्या हुआ है, इससे बेटा हमारी पासबुक तो बढ़ गई है, ठीक है, और हमारे को पता नहीं है, हमने सोचा कि उसने पैसा नहीं दिया है, तो हमारी कैश बुक क्या है बेटा कम। तो बस बेटा हम क्या करेंगे, कैश बुक को अपनी बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन, मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हुआ है कैश बुक से, तो हमने कैश बुक ही देखनी, तो कैश बुक बेटा हमारी इससे क्या है कम, क्योंकि हमारे को पता नहीं है कि उसने पेमेंट कर दिया, तो हमने कैश बुक कम रखी है, तो इसको हम क्या कर देंगे बेटा बढ़ा देंगे, तो इसको कर देंगे बेटा ऐड। ठीक है, तो ये देखो ये ऐड हो गया, ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन टू बैंक। तो बस बेटा ये मतलब हमारे पास पांच पॉइंट थे तो हमने कर लिए, हमने BRS जो है ये बना ली। अब हम बेटा इनकी बैलेंसिंग करेंगे, तो सबसे पहले बेटा इनका टोटल करेंगे, तो प्लस का, तो प्लस साइड का देखो, अब जब हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,38,500 आ जाएगा बेटा टोटल, जब हम इनका टोटल करेंगे। तो 8 और 2 हो गए 10, 10 और 5 15, और 5 और 2 7, और 1 कैरी था तो 8, एंड 5 और 4 हो गए 9, और 9 और 4 13। तो 1,38,500 ये हमारा प्लस ऐड का टोटल, और जब बेटा माइनस ऐड का करेंगे तो माइनस ऐड का बन गया 92,000 में 1,500, तो 93,500 ये हमारा टोटल बन जाएगा माइनस के साइड का। अब देखो हमारा जो प्लस का साइड है वो ज़्यादा है, माइनस का साइड कम है, तो जो आंसर होगा, आपको मैंने बताया था जो पिछली हमारी क्लास थी, अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कैश बुक से, तो हमारा जो बैलेंस है वो किसका आता है, पासबुक का। तो देखो बेटा ये आ गया बैलेंस एज पर पास
बुक, ठीक है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या बेटा हम क्रेडिट भी लिख सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि क्रेडिट जो है वो हमारा किस चीज़ का होता है बेटा, पासबुक का, प्लस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस हेड का ज़्यादा है। और अगर बेटा जैसे जो प्लस का अमाउंट है वो माइनस की जगह होता, माइनस का प्लस की जगह होता, तो हमने यहाँ पर लिखना था क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट सॉरी डेबिट बैलेंस, ये हमने बेटा ओवरड्राफ्ट बेटा लिखना था, ठीक है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक माइनस का होता है और डेबिट बैलेंस जो है पासबुक का क्या होता है, माइनस में, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक भी लिख सकते हैं और क्रेडिट भी लिख सकते हैं। तो जब हम 1,38,500 से 93,500 को लेस करेंगे तो हमारे पास बेटा 45,000 जो है आएगा, ठीक है। तो ये हमने बैलेंसिंग बेटा जैसे निकाला, ये हमारा बैलेंस आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। अब हम टोटल करेंगे तो दोनों साइड जो है टोटल हो गया 1,38,500, 1,38,500, ठीक है। और नीचे हम लिख देंगे कि जो आंसर आया हमारा क्रेडिट एज बैलेंस एज पर पासबुक 45,000, ये हमारा आंसर आ गया। या बेटा हम क्या कर सकते हैं, सिंपल क्रेडिट नहीं लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, वो भी ठीक होगा क्योंकि उसका मतलब क्या होता है, प्लस। बोलो बेटा पता लग गया इस क्वेश्चन का, यस ठीक है। अब सर, बेटा, अब बेटा एक क्वेश्चन हम और करते हैं, और वो करते हैं हम अब किससे, जो स्टार्ट होगा हमारा पासबुक से। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी बोला है कि प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ मार्च 31, 2020। अब लिखा है यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, देखो बेटा दिख रहा है ना आपको, अब पासबुक का दिया है और कौन सा बैलेंस दिया है, क्रेडिट, ठीक है। और कितना रुपीज दिया है, 40,500, और ये दिया है 31 मार्च 2020 को, ठीक है। अब जो पॉइंट है वो बेटा मैंने बिल्कुल सारे के सारे सेम लिए हैं। पहला वही है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 92,000 रुपीज़, एंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹52,800, एंड बैंक चार्जेज ₹1,500 चार्ज बाय बैंक, एंड ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन टू बैंक ₹45,200। बाकी बिल्कुल बेटा सेम है, ठीक है, लेकिन मैंने ऊपर चेंज कर दिया, कैश बुक की जगह क्या लिख दिया बेटा, पासबुक। तो अब आपको पता होना चाहिए कि पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको बेटा मैंने पासबुक भी बताई थी और बैलेंस के साथ क्रेडिट और डेबिट भी बताया था, तो मेरे को बताओ कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो कहाँ आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, बेटा सोच करके बताना है आपने। प्लस बिल्कुल ठीक, में शाबाश बेटा, प्लस में आएगा, बिल्कुल वेरी गुड बेटा। तो देखो सबसे पहले बेटा हमने वही लिखना ऊपर के बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और डेट डाल देंगे बेटा। अगर आपको क्वेश्चन में डेट नहीं है, पिछले जो है वीडियो में बेटा हमने क्या किया था कि जो हर घर पाठशाला के द्वारा क्वेश्चन पूछा था उसको हमने किया था, उसमें डेट नहीं लिखी, तो आप उसको ब्लैंक रहने देंगे बेटा। फिर हम ऐसा फॉर्मेट बना देंगे, पर्टिकुलर्स प्लस अमाउंट और माइनस अमाउंट। तो देखो सबसे पहले है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो हमने उसको कहाँ लिख दिया बेटा, प्लस में, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक बेटा आपने बता दिया, शाबाश बेटा। अब सेकंड पॉइंट जो है, अब हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है बेटा पासबुक से, अब हमने सभी पॉइंटों में क्या देखना बेटा, पासबुक की, ठीक। पासबुक हाँ, अगर वो बढ़ रही है तो हमने बेटा कम करना, कम हो रही है तो हमने बढ़ाना बेटा, ठीक है। बिल्कुल बस आपने ये वाला तरीका रखना, और आप जो मर्जी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बेटा पॉइंट, पॉइंट देखो लिखा हुआ है हमने इस पॉइंट में देखनी सिर्फ पासबुक। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, तो देखो हमने चेक जमा करने के लिए भेजा लेकिन आगे वो जमा नहीं हुआ है, तो जैसे ही हम बेटा चेक जमा करने के लिए भेजते हैं तो हमारी हम अपनी कैश बुक को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो कैश बुक बेटा हमारी बढ़ी हुई है, लेकिन आगे वो जो है कलेक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब हमारी पासबुक अभी कम है, क्योंकि कलेक्ट नहीं हुआ है तो पासबुक कम है। बस हमने पासबुक देखनी, पासबुक बेटा हमारी कम है तो हम क्या कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। पता लगा, क्योंकि बेटा कलेक्ट नहीं हुआ है तो हमारी पासबुक कम है, तो कम है हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है पासबुक से, तो हम इसको बढ़ा देंगे। तो देखो बेटा सेकंड पॉइंट, ऐड चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, और प्लस के कॉलम में आ गया बेटा ये अमाउंट। बोलो पता लगा बेटा कि लगा आपको पता, 92,000 रुपीज़ का, ठीक है। ये क्यों किया, क्योंकि हमारी पासबुक बेटा क्या थी, कम थी बेटा। अब देखते हैं हम थर्ड पॉइंट, तो थर्ड बेटा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक बेटा हमने दिया, तो जैसे ही हम किसी को चेक देंगे तो हमने अपनी कैश बुक को क्या कर देते हैं, कम, लेकिन बेटा बैंक में अभी वो चेक पहुंचा ही नहीं है, तो बैंक ने पेमेंट नहीं की हुई है, तो इसका मतलब हमारी जो पासबुक है वो क्या है, बढ़ी हुई, क्योंकि पेमेंट नहीं हुई तो हमारी पासबुक क्या है, बढ़ी हुई। तो बस बेटा हमने इसको क्या कर देना, कम,
तो ये इसको क्या कर देंगे बेटा हम, कम कम क्यों करेंगे, क्योंकि पासबुक बेटा हमारी बड़ी हुई है, क्योंकि बैंक ने पेमेंट नहीं की हुई है तो बड़ी हुई है, तो हमने इसको क्या कर देना बेटा कम। तो थर्ड पॉइंट जो है हमारा हो जाएगा बेटा लेस। तो देखो लेस हो गया ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और माइनस के कॉलम में चला गया बेटा 52,800। बोलो बेटा पता लगा आपको इसके बारे में? यस सर, हाँ ठीक है बेटा, ओके यस ओके ओके बेटा। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट बेटा सीधा ये बैंक चार्जेज। तो बैंक ने हमारा काम किया, अब क्या होते हैं बेटा आपको मैंने पहले बता दिया बैंक चार्जेज। तो बैंक चार्जेज से बैंक क्या करता है हमारी पासबुक को कम कर देता है, ठीक है, बस हमारी पासबुक क्या होगी कम, तो हमने इसको क्या कर देना बेटा बढ़ा देना, क्योंकि बैंक ने चार्ज लिया तो चुपचाप हमारी पासबुक को कम कर दिया। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हुआ है पासबुक से, तो हम इसको क्या कर देंगे बेटा बढ़ा देंगे। तो देखो बेटा फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट जो है ऐड कर दिए हमने बैंक चार्जेज, तो 1,500 रुपीज से। बोलो पता लगा ना, क्योंकि हमारी पासबुक क्या होगी है कम, अब हमने अगर मैच करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा हमारे को बेटा बढ़ाना पड़ेगा। बोलो बेटा लग गया पता इसका? यस ठीक है बेटा। अब सर, हम अगला देखते हैं पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट। एक कस्टमर ने क्या किया है, डायरेक्टली जमा कर दिया है हमारे बैंक अकाउंट में। तो बस सीधा ही जब जमा हो गया हमारे खाते में, तो हमारी पासबुक क्या हो गई है बेटा बढ़ गई है। तो इस पॉइंट से पासबुक बढ़ी हुई है, तो जब बढ़ी है तो हमने पासबुक को क्या करना कम, तो ये बेटा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारी पासबुक बढ़ी हुई है ना। अब एक कस्टमर ने हमारे खाते में जमा करी तो पासबुक बढ़ी हुई है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है पासबुक से, तो हमारे को इसको कम करना पड़ेगा। तो देखो बेटा फिफ्थ पॉइंट, अब ये हो गया लेस। तो एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट किया, तो ये हो गया बेटा माइनस के कॉलम में, ठीक है। तो बस बेटा ये देखो ये हमारा क्वेश्चन मतलब जैसे जो है हो गया पासबुक का। अब हमने टोटल करना बेटा, तो जब हम टोटल करेंगे प्लस और माइनस साइड का, तो प्लस साइड का आ जाएगा बेटा 1,38,500 एंड माइनस साइड का आ जाएगा बेटा 98,000, ठीक है। आप कर सकते हैं 8 और 2 10 माइनस साइड का, एंड 5 और 2 7 और 1 कैरी था 8 एंड 5 और 4 हो गए 9। और जब हम प्लस साइड का करते हैं तो 5 आ गया, 5 और 2 7 और 1 8, तो 9 और 4 मतलब हो गया 13। तो प्लस साइड का हो गया 1,38,500 एंड माइनस साइड का हो गया 98,000। अब बेटा हम बैलेंस निकालेंगे, जो आंसर होगा, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था पासबुक से, अब हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक बेटा, ठीक है। तो ये आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा 40,500। ये कैसे आया, जब हम 1,38,500 को लेस करेंगे 98,000 से, तो आ जाएगा 40,500। तो किसने दिया, प्लस साइड ने दिया, तो इसलिए बेटा हमने डेबिट बैलेंस लिखा, ठीक है। और या हमने डेबिट लिखना तो हम बैलेंस एज पर कैश बुक भी लिख सकते हैं बेटा, फिर हम दोनों साइड का टोटल करेंगे तो हो गया 1,38,000, और इसमें भी जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1,38,500। और नीचे बेटा हम लिख देंगे कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या हमने डेबिट नहीं लिखना तो हम ऐसा लिख सकते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक और 40,500, ये हमारा बेटा आ गया आंसर। तो इस तरीके से बेटा हम जो है क्वेश्चंस को करेंगे। बोलो बेटा कोई डाउट तो नहीं आपको, बोलो बेटा। नो सर।